हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला। आज हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट ऐसी मेथड लेंगे जो एग्जाम में गारंटेड आपकी आने वाली है। तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, जो चैप्टर हम सीखने वाले उसका नाम है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग फुगावा लक्ष्य हिसाबी पद्धति। ये टॉपिक आपने बीकॉम में नहीं सीखा हुआ है। एक्चुअली बीकॉम के भी टॉपिक इस बुक में इन्वॉल्व है, लेकिन मैं डायरेक्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो ये जो चैप्टर है इन्फ्लेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो फुगावा लक्ष्य हिसाबी पद्धति, इसके अंदर आने वाली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेथड है जो 99% पूछी ही जाती है 14 मार्क के अंदर, उसी का मैं प्रैक्टिकल सम्स आपको सिखाने वाला हूं। मेथड का नाम है करेंट परचेसिंग पावर मेथड, ठीक है, वर्तमान खरीद शक्ति पद्धति। ये टॉपिक है आज मैं कंप्लीट आपको सिखाने वाला हूं। जो मैं सम्स लेने वाला हूं, पहले उसकी बात कर लेता हूं। देखिए, जो सम्स 2019 में पूछा हुआ बिल्कुल वही का वही सेम सम मैं सिखाने वाला हूं। ये कई सम्स आपको कहां देखने को मिलेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में देखने को मिलेगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको, यहां पर ये आप अपनी बुक में देखिएगा कुमार प्रकाशन, वरना आप ढूंढ लीजिएगा आपको मिल जरूर जाएगा। जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, यही वाला टॉपिक आपको पूछा गया 2019 के अंदर। जस्ट अमाउंट को क्या किया गया, 5 times इंक्रीज किया गया, 5 times इंक्रीज किया गया। इसका मतलब जो अमाउंट दी है 50,000, उसको 2,50,000 कर दिया गया। जो 10,000 है उसका 50,000 किया गया है, 10 का 50, 70 का 5 times कर लीजिए 3,50,000। तो ये सम्स आपको पूछा गया 2019 में, तो आपको दोनों सम्स काम हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन भी है, ये करना ही चाहिए। लेकिन लास्ट लाइन में आपको यहाँ लिखा गया, पढ़िए, आपको प्रिपेयर करना फाइनल अकाउंट। गुजराती में भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, लिखूंगा भी। आपको वार्षिक हिसाब बनाना है, कौन से मेथड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो प्राइस लेवल चेंजेस हुआ है, जो भाव सपाटी में जो फेरफार हुआ है, वो कौन से मेथड के अंदर, करेंट परचेसिंग पावर मेथड, वर्तमान खरीद शक्ति ना मुजब। तो ये मेथड को कैसे सॉल्व करना है और इसके अंदर फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट बनते हैं, सारी चीज में डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो बड़े लॉन्ग होगा, लेकिन ये आपका सम्स एग्जाम में गारंटेड आएगा। देखिए, हमको सबसे पहले मेन क्या क्या करना रहता है समझा देता हूं ओवरली, फिर उसके बाद स्टार्ट चल कर लेते हैं। ओवरव्यू बताता हूं, पहले को करना रहता है मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन, और यहां पर तीन टॉपिक का कैलकुलेशन सबसे इंपोर्टेंट है, नंबर 1, यहां पर नंबर 2 और ये नंबर 3। तीन टॉपिक का हमको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद हमको जो फाइनल अकाउंट बनाना है, जो हमें वार्षिक हिसाब बनाना है, उसमें 2 ही अकाउंट क्रिएट करना है। यहां पर एक होता है इनकम स्टेटमेंट, आवक पत्र, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमको बनाना रहता है हमारा होता है बैलेंस शीट, पाक्कू सर्वे। दोनों चीज हम कंप्लीट सीखने वाले, पूरा का पूरा सम्स प्रैक्टिकल 14 मार्क की आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा मैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको क्या करना रहता है, सम्स के अंदर ऑलरेडी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बैलेंस शीट की और इनकम स्टेटमेंट, जो पाक्कू सर्वे और आवक पत्र, ऑलरेडी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसका यूज करना ही है। ये इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल, मतलब ऐतिहासिक कहा जाता है। इस ऐतिहासिक के पर से ही, इस ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पर से हमको करंट में इसको कन्वर्ट करना है, वर्तमान में जो प्राइस लेवल जो हमारा चेंजेस हुआ ना, उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर होने वाला चेंजेस करके हमें वापस फाइनल ये दोनों अकाउंट बनाने रहेंगे, दोनों के दोनों खाते बनाने रहेंगे। ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं, आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन की ओर आते हैं, फिर अकाउंट भी फिलअप करेंगे। सबसे पहले हमको जो कैलकुलेशन करना है उसका नाम है कन्वर्जन फैक्टर, फिर बदली दर, बाय चांस गुजराती में वर्ड कुछ और हो तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। हमको यहाँ ऑलरेडी सूचकांक दिए गए हो तो आप चेक कीजिए, हमको यहाँ लास्ट में सूचकांक दिए गए हैं, ठीक है, इंडेक्स दिए गए हैं। इन तीनों इंडेक्स का यूज पूरे सम्स में होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। देखिए, 1 अप्रैल स्टार्टिंग का जो शुरुआत का दिया वो 280 दिया गया इंडेक्स सूचकांक, या फिर इसको प्राइस लेवल बोल सकते हो, देखो जनरल प्राइस वो भी समझ सकते हो। सेकंड है एवरेज दिया गया, सरेराश, पूरे ईयर के बिटवीन जो सरेराश एवरेज चला था प्राइस भाव सपाटी 350 था। उसके बाद एंड में 31 मार्च एंड में जो भाव सपाटी था प्राइस लेवल वो था 420। तो इस पर से हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर बल्ली फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो वही तीनों का फाइंड आउट करना है जो 1 अप्रैल का था, मतलब इसको ओपनिंग बोल सकते हैं, शुरुआत भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है एवरेज सरेराश, और लास्ट में हमारा टॉपिक था क्लोजिंग 31 मार्च, या इसको हम आखिर भी बोल सकते हैं। देखिए, इसका कैसे निकालना जाता है, कन्वर्जन कैसे करना है, पहले तो जो उसका दिया गया है भाव सपाटी लेवल प्राइस वो राइट डाउन कर दीजिए, 280, 350 और 420 एज इट इज, हम लोग क्या कर दे, यहां राइट डाउन कर देते जो दिया गया था 280,
यहाँ पर 350 और यहाँ पर 420। प्लीज वीडियो एंड तक देखना, अगर सम सीखना तो एंड तक, कहीं भी स्किप किया तो आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो देखना तो एंड तक देखिए, वरना यहीं पर वीडियो को एंड कर सकते हो आप। ये सम समझने के लिए आपको कहीं भी स्किप नहीं करना कहीं से भी। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर करना क्या है देखिए, आपको बता दूं कन्वर्जेशन हम लोग किसके अकॉर्डिंग करना है। एक करंट मेथड के अंदर, वर्तमान के अंदर जो हमारा एंडिंग वाला जो सूचकांक चलता है, एंडिंग का जो प्राइस लेवल, उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना रहता है। तो एंडिंग में कितना है 420, तो हरेक को हमको 420 के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा। इसलिए 420 के डिवाइड में सब कर देने का, क्या करना आपको 420 के डिवाइड में क्लोजिंग वाला एंडिंग वाला, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा एग्जांपल, स्टार्टिंग में 20 प्राइस था लेकिन एंडिंग में हो गया 40, तो 20 पे समझो 1000 था, तो 40 पे कितना, तो 40 का क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका डिवाइड, मतलब ये क्या आता है 40 डिवाइड में 20 आया कि नहीं आया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कर रहे हैं। तो क्लोजिंग वाले इंडेक्स का प्राइस के अपॉन में सारा कर देने का। तो देखिए हमको ऑलरेडी जो कन्वर्जन मिल जाएगा यहाँ डायरेक्टली, जिसका हम यूज करने वाले सम्स के अंदर, हर एक अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई इसी का होगा। यहाँ पर मिलेगा 1.5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1.2 हो जाएगा, और लास्ट में इसका 1 का 1 रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग के अकॉर्डिंग कर रहे थे, उसका 1 ही रहेगा, कोई चेंजेस होने वाला नहीं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला टॉपिक हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, रोकड़नी आखर सिलक या आखर बाकी। इसका मतलब क्या, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास रोकड़ कैश तो ऑलरेडी होता ही है, ठीक है, और कैश पर ये सब इंडेक्स का कोई चेंजेस, कोई फर्क आता नहीं है, क्योंकि कैश तो कैश ही होता है ना, समझ रहे हो, उसका कोई भाव सपाटी की वजह से कोई चेंजेस होता नहीं। इसके लिए पहले इसका क्लोजिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करना, बड़ा सिंपल सा है। पहले आपको सम्स के अंदर देखिए ओपनिंग दिया गया होगा, देखो 1 अप्रैल लिखा ना बैलेंस शीट, उसमें कैश ऑलरेडी हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 10,000। तो स्टार्ट कीजिए कैसे करना, हमको सबसे पहले उसका ओपनिंग जो कैश है वो राइट डाउन कर लीजिए, ओपनिंग शुरुआत का 10,000। अब उसमें क्या करना रहता है क्लोजिंग निकालने के लिए, तो प्लस करना रहता है और कुछ चीजें माइनस करनी रहती है। प्लस क्या होता है, प्लस होता है इनकम, इनकम मतलब जो भी रोकड़ में इनकम हुई ना कैश में आवक, वो प्लस करना है, और जितना हमने कैश में पेमेंट किया है, ठीक है, जावक, वो माइनस करना, तो ऑटोमेटिक हमारा क्लोजिंग कैश आ जाएगा। देखिए इनकम में क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पर इनकम हमको क्या हुई है, ये देखिए इनकम स्टेटमेंट में जाके चेक कीजिए, आवक के पत्रक में सेल्स जो होता है ना वेचा, वो हमारा आवक होता है कि नहीं होता, और कैश में ही है इसके लिए, तो यहाँ पूरा का पूरा 80,000 हमारा आवक में आ जाएगा, जिसको मैं रैंडम कर देता हूँ, जो सेल्स की अमाउंट है, वेचाण की अमाउंट है 80,000, और कोई इनकम हुई नहीं है, तो ये हो गया टोटल 90,000। उसमें से लेस क्या करना है हमको, पेमेंट जावक। अब पेमेंट में क्या होगा, जैसे सेल्स था वैसे परचेस हो गया ना, पेमेंट में खरीदी हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका अमाउंट कितना दिया 24,000। उसके अलावा समझिएगा ये जो खर्चे दिए ना एक्सपेंसेस, वो भी कैश में होते कि नहीं होते, तो जो पहला ऑपरेटिंग दिया गया है, ऑपरेटिंग वाला मतलब संचालन का खर्चा, ये हम कैश में 12,000 किया कि नहीं किया, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात करो, घसारो, प्लीज समझिएगा ये हमारा कैश में कभी भी नहीं होता, रोकड़ में कभी भी होता नहीं, आप जानते होंगे। अगला थर्ड खर्चा जो दिया है एक्सपेंस, वो इंटरेस्ट दिया गया डिबेंचर का, ये कैश में होता है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर कुछ तारीख लिखी गई है, डेट लिखी गई, जो एंडिंग की डेट लिखी गई 31 मार्च। देखिए इसका क्या होने वाला समझाता हूँ, ठीक है, पहले 24,000 और 1200, ये तीन खर्चे किए हमने, पेमेंट किए, तो स्टार्ट करता हूँ। तो पहला हमारा आएगा परचेज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको एंड तक सब समझ में आ जाएगा, अभी स्टार्टिंग में कुछ समझ में ना आ रहा तो भी। तो खरीदी हमारी कितनी हुई थी यहाँ पर, अब मैंने समझ में जैसे बताया 24,000, उसके बाद जो खर्चा था कौन सा, ऑपरेटिंग का खर्चा, ऑपरेटिंग मतलब संचालन का खर्चा, जो कितना था 12,000, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया 36,000, और 90,000 में से 36,000 क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 54,000। ये इसका बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, बन जाएगा कैश का आखर बाकी बन जाएगा। लेकिन अभी आपने एक टॉपिक रह गया था, जो मैंने बोला अभी इंटरेस्ट का टॉपिक रह गया माइनस करना, डिबेंचर का इंटरेस्ट, डिबेंचर में ब्याज जो 1200 है, तो ये भी माइनस करना है, पर थोड़ा इसको अलग कीजिए माइनस, क्योंकि ये अमाउंट का यूज अलग होने वाला है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करने के बाद की रकम का यूज अलग होने वाला है, डिबेंचर पन्नु ब्याज, ठीक है, तो ये रकम माइनस करने के बाद अलग आएगा। तो ये 54,000 का जो था उसमें से 1200 का डिबेंचर का ब्याज माइनस करूंगा, तो 52,800 का कैश मिलेगा, ये भी क्लोजिंग होने वाला है। ये कहां यूज होगा, ये कहां यूज होगा, दोनों चीज आपको पता चलेगी जब सम्स करेंगे तब।
ये दो टॉपिक कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। सम्स लॉन्ग होने वाला है क्योंकि टॉपिक इतना लॉन्ग है, 30 मिनट करो सम्स होता है एग्जाम के अंदर, और मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था बाय चांस इससे ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब इसके बाद तो थर्ड जो टॉपिक बचा है जो सबसे मेन कैलकुलेशन है, इसी के बेस पर पूरा सम्स होता है जो मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले हम एक अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट भर देते हैं, फिलअप कर देते, उसके बाद में वो कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते, पहला हमारा स्टेटमेंट, पहला पत्र कौन सा होता है, इनकम स्टेटमेंट आवक पत्र। ऑलरेडी हमको सम्स के अंदर भी दिया गया, चेक कीजिए यहाँ पर सम्स के अंदर भी हमको दिया गया, तो करना कुछ नहीं है। ये जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है ये हमको, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक बोलते हैं, जो हमको कॉपी पेस्ट ऐसा का ऐसा लिखना, कोई चेंजेस किए बिना। इसके अंदर जो हमको ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिया गया, काचो नफो, उसके बाद अर्निंग दिया गया, आवक, ठीक है, सैम बिटीज, ऐसा जैसा आपको फॉर्मेट में यहाँ राइट डाउन करना, जो ऑलरेडी में टाइम सेव करने के लिए राइट डाउन किया गया, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक करके जो सेल्स है, वेचाण की अमाउंट, फिर जो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके जो कॉस्ट ऑफ सेल आया, वेचा मान ले पड़ता है, उसको लेस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, काचो नफो, ग्रोस प्रॉफिट। ये सिस्टम आपको पहले से पता होना भी चाहिए। उसके बाद जितने खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे जो प्रॉफिट लॉस के होते हैं, नफा नुकसान के, वो सारे लेस किए होंगे, यहाँ प्लस किए, उसको लेस किया, तो हमको ये मिलता है आवक बोलेंगे, इसको इनकम बोलेंगे। इसमें सबसे मेन जो टॉपिक अभी भी लेस करना बाकी है, जो मैंने बोला कैलकुलेशन नंबर थर्ड बाकी है, ये थर्ड का टॉपिक यहाँ पे लेस होने वाला है, उसके बाद फाइनल आंसर हमको मिल जाता है। तो ये हिस्टोरिकल के अंदर तो कोई चेंजेस करना नहीं है, ऐतिहासिक में सेम है, इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, आप समझ गए होंगे कुछ नहीं किया मैंने चेंजेस। अब बात आती है जब हमको जो टॉपिक हमको सॉल्व करना है, वर्तमान खरीद शक्ति मुजब करेंट परचेसिंग प्राइस के हिसाब से यहाँ पर क्या होने वाला है वो देखिए, वो समझिए। तो आगे एक टेबल ऐड किया मैंने, कन्वर्जन फैक्टर जो हमने निकाला है फर्स्ट कैलकुलेशन करके, फेर बदली वाला, तो उसका यूज करके इसका अमाउंट को चेंजेस करना है। तो किसके समय कौन सा आने वाला है ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं, पहला सेल्स एंड वेचाण, जो 80,000 दिया गया था, तो आप जानते हैं जो वेचाण होता है ना वो ईयर के बिटवीन होता है, कहां पे होता है, ईयर के बिटवीन किया जाता है एवरेज, तो सरेराज वाला उसका भाव लगेगा, सरेराज के प्राइस के हिसाब से किया जाएगा चेंजेस। करेंट के लिए 1.2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितने का किया जाएगा, 1.2 का मल्टीप्लाई, आप चाहो तो ये टेबल ना बना के इसके बाजू में लिख सकते हो। तो 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट के अंदर वर्तमान में उसका कितना हो जाएगा, सेल्स का अमाउंट 96,000 हो जाएगा। ये टॉपिक आप ध्यान से समझते जाइएगा, अब सबका यूज हो रहा है जो मैंने कैलकुलेशन अभी सिखाया है, कहां पर यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद की जो मैं बात करता हूं, देखिए अगला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना रहता है, विच मान ले पड़ता है, जिसमें तीन टॉपिक इन्वॉल्व किए गए। पहला ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का जो भी अमाउंट है, समझ के ओपनिंग लिखा है तो 100% आपको ओपनिंग के भाव सपाटी प्राइस लेवल के हिसाब से चेंज करना है, कितना है 1.5 है, 1.5 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कीजिए 6,000 को, ऑटोमेटिक इसके लिए आपको कितना मिल जाएगा, 9,000 मिल जाएगा। आगे जो दिया खरीदी परचेस, तो ये हमने स्टार्टिंग में किया था खरीदी, सही है, जानते ही इतना, ऐसा नहीं होता स्टार्टिंग में नहीं की होती, हमने क्या होती है ईयर के बिटवीन में की होती खरीदी, जैसे सेल्स होता है ना वैसे परचेस, वेचाण वैसे खरीदी भी हमने साल के बीच में की होती, इसके उसके भी कौन सा भाव सपाटी लगेगा, एवरेज वाला लगेगा 1.2, तो इसके लिए भी हमको 1.2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 28,800 हो जाएगा, दोनों को प्लस करना, उसके बाद क्लोजिंग माइनस करना, इसके लिए यहाँ पर सब स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब इसके बाद माइनस क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक, यहाँ पे समझिएगा, इसके लिए सम्स में क्या लिखा, पूरा का पूरा फीफो लिखा, फीफो लिखा गया, मोस्ट ऑफ फीफो ही देखने को मिलेगा लॉन्ग सम्स के अंदर। तो होता क्या है, ये जो स्टॉक की रकम आपके बची है, जो अमाउंट बचा है, एक्चुअली साल के बीच का बचा होता है, क्योंकि फीपो में क्या होता है, फर्स्ट जो आता है हम उसको तुरंत का तुरंत सेल कर देते हैं, ठीक है, जो ऐसे हम खरीदते हैं वैसे उसको सेल कर लेते हैं। इसके लिए इसके अंदर ईयर जो भी स्टॉक बचा होगा ना वो एवरेज का बचा होगा, साल के बीच का बचा होगा, इसलिए इसके लिए भी हमको 1.2 ही यूज करना रहेगा, थोड़ा ये समझना जरूरी है। तो 1.2 का 5,000 की स्टॉक के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तुमको 6,000 मिल जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, माइनस करना है, तो इस अमाउंट में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कीजिए तो 31,800 ये जो मिला हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स वेचे मान ले पड़तर हो गया, जो हमको इसमें से अमाउंट में से माइनस करना है, और जैसे माइनस करेंगे 64,200 ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट काचो नफो बन गया, तो आधा काम हो चुका है। अब आते हैं जो प्रॉफिट लॉस के खर्चे थे नफा नुकसान में, जिसमें तीन नाम दिए गए थे, मैंने सम्स में से लिखे, अपने मन से नहीं लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला खर्चा ऑपरेटिंग संचालन का जो 12,000 दिया गया, अब इस पर कौन सा इंडेक्स लगने वाला है, तो देखिए ऑपरेटिंग जो हमारा संचालन का जो हमारा खर्चा है, आप जानते ही है भाई साल के बीच में उसको ऑपरेट करना पड़ता है, संचालन करने के लिए जो खर्चे होते हैं मैनेजमेंट करने के लिए वो सब ऑपरेटिंग होते हैं, तो इसके लिए भी प्राइस लेवल कौन सा लगेगा, 1.2
एवरेज वाला लगेगा, एवरेज 1.2, तो 12,000 को 1.2 के हिसाब से चेंज करेंगे तो करंट में कितना हो जाएगा, वर्तमान में 14,400 हो जाएगा। उसके बाद मेन टॉपिक है घसारो, ये बात समझिएगा जरूर। डेप्रिसिएशन आप बोलोगे सर इसको तो एंडिंग में करना ही चाहिए, बट हम जो डेप्रिसिएशन गिन रहे, जो घसारो यहाँ पे दिया गया वो किसके लिए दिया गया, यहाँ पे जो एसेट्स होगी उसके लिए दिया गया। तो एसेट्स कौन सी है, ओनली एक ही है जो फिक्स होता है, फिक्स स्थिर, उसी पे गिना जाता है, जो मशीनरी दिया गया है। अब मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस देगी, कौन से बैलेंस देगी, ओपनिंग बैलेंस देगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो डेप्रिसिएशन है, जो खसारा है, उसको आपको ओपनिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। ओपनिंग का जो प्राइस लेवल है ना 1.5, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करना पड़ेगा। प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आप 6,600 हो जाएगा। अभी इंटरेस्ट की बात करो, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें चेंजेस होता रहता है। ये हम लोग कब पेड कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, एंडिंग में पेड कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट जो है डिबेंचर का ब्याज है, 31 मार्च को पेमेंट किया जा रहा है। इसके लिए इसके ऊपर कौन सा भाव सपाटी लगने वाला है, कौन सा लगेगा प्राइस लेवल, एंडिंग वाला 31 मार्च का, जो कितना है 1 है। 1 मतलब कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। सेम डिस 1200 की 1200 की अमाउंट आएगी, तो तीनों एक्सपेंस को प्लस कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो उसका एक्सपेंस को प्लस करोगे तो 22,000 आई थिंक हो जाएगा, जो उसमें से लेस करेंगे हम लोग तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पर, टोटल 22,200 होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कीजिएगा। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी जो हमको मिलेगा 42,000, ये भी हमारा अर्निंग होगा, आवक होगा, इनकम होगा, लेकिन फाइनल आंसर अभी नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट नहीं बनेगा, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं, तो इसमें यही कही आने वाला। अब माइनस हमको क्या करना है, जो प्राइस लेवल तो था ना भाव सपाटी, उसमें चेंजेस होने की वजह से जो नुकसान हुआ है या तो नफा हुआ है, प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका यहाँ पर इफेक्ट होने वाला है। वो इफेक्ट को प्लस माइनस करने के बाद फाइनल आंसर बनने वाला है, जिसकी कैलकुलेशन हमको यहाँ थर्ड नंबर के टॉपिक में करना है। यही वाली कैलकुलेशन वहां प्लस माइनस होगी, या तो हमको प्रॉफिट हुआ तो प्लस करना है, लॉस हुआ तो माइनस करना है। ये टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करना। अगर ये आपने समझ लिया ना तो हमारा ये टॉपिक भी बहुत ईजी, इसमें तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, कॉपी पेस्ट ही यहाँ पे करना है। तो अब चालू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कैलकुलेशन होने वाला है, उसको ध्यान से समझते हैं। शुरू करते हैं मॉनेटरी आइटम, नाणकीय जो भी घटक है। अब इसको होता क्या समझा दो, मॉनेटरी का मतलब होता है नाणकीय का मतलब ऐसी सारी लायबिलिटी या तो एसेट्स, मतलब एसेट्स मतलब मिल्कत और देवा, जो फिक्स होता है, जो क्या होता है फिक्स्ड होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर क्या होता है फिक्स होता है कि हमको भाई इतना पैसा उसको देना है या फिर हमको इतना पैसा उससे मिलेगा। बट प्राइस लेवल में चेंजेस होने की वजह से क्या हमको उसमें फायदा हो रहा है, क्या हमको उसमें नुकसान हो रहा है, वो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। समझते हो, अब देखो क्या होता है कैलकुलेशन, यहाँ समझाता हूँ मैं, थोड़ा डीप में समझा नहीं पाऊंगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, एक अलग से टॉपिक समझाना जैसा टॉपिक है ये, जो आपको डीप में अगर पढ़ना तो बुक में मैं दिखा दूं कहाँ पर छपा है मॉनिटरी का, या पढ़िएगा जरूर, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको, समझ नहीं दिख रहा आपको मॉनिटरी, यहाँ पर मॉनिटरी आइटम नाणकीय वस्तु नॉन मॉनिटरी, ये टॉपिक पढ़िएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया अच्छे से, जिसको यहाँ पे समझ में भी दिक्कत होगी तो समझ में आ जाएगा। ए और बी, यहाँ पर एक हमको लायबिलिटी का कैलकुलेशन करना है, उसी तरह से यहाँ पर हमको जवाबदारी, उसी तरह लायबिलिटी के सामने क्या हो जाएगा एसेट्स, इसका कैलकुलेशन करना है एसेट्स मिलकर। तो फिर हमको चेक करना भाई हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नफा हुआ कि नुकसान। अभी लायबिलिटी में कौन कौन सी जवाबदारी मॉनिटरी के अंदर आती है, तो देखिए मैंने जैसे कहा जो फिक्स होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, तो वो जैसे यहाँ पर डिबेंचर हुआ, क्रेडिटर हुआ, या फिर और लॉन्ग टर्म कुछ भी हो, बैंक लोन होता है, बीओडी होता है, ये सारी डिटेल यहाँ पे छपी हुई है, पढ़िएगा जरूर, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर। तो दो टॉपिक निकलता है मॉनिटरी के अंदर, डिबेंचर और क्रेडिटर, ठीक है। तो इनका हमको कैलकुलेशन करके चेक करना है कि हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये प्राइस लेवल चेंजेस होने की वजह से, ये प्राइस लेवल की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं, तो दो टॉपिक निकल गया जैसा मैंने अभी आपको कहा, एक तो डिबेंचर निकला और एक क्रेडिटर निकला, डिबेंचर और क्रेडिटर, मतलब हमारा गुजराती में भी लिखना मुझे जरूरी है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए समझा रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके रखना। डिबेंचर और क्रेडिटर, तो देखिए इसका ऑलरेडी हमको जो अमाउंट दिया गया सम्स के अंदर वो चेक कीजिए, कितना दिया गया था, 10,000 और 10,000, इतना फिक्स था, ठीक है, 10,000 प्लस 10,000, तो टोटल कितना हुआ 20,000। बट अब प्राइस लेवल के हिसाब से देखते हैं हम लोग, ये जो प्राइस लेवल चेंज हुआ है ना, प्राइस लेवल भाव सपाटी के हिसाब से देखते कितना होना चाहिए, तो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके हिसाब से करना है प्लीज समझिएगा, ओपनिंग का दिया गया था, सॉरी हाँ ओपनिंग का हमको सम्स के अंदर दिया गया, तो ओपनिंग का ही हमको करना 1.5
फाइव से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा बैलेंस देखिए 1/4 का दिया गया है, अप्रैल का दिया गया है इसके लिए, तो 1.5 के हिसाब से देखिए तो ये अमाउंट कितनी हो जाती है, 20,000 हमको लायबिलिटी है हमारे ऊपर जवाबदारी, जो एक्चुअली प्राइस के हिसाब से 30,000 हो जाती है। बट एंड में देखिए, मतलब जो ईयर एंडिंग हुआ है उसके समय क्या कुछ चेंजेस हुआ है, तो डिबेंचर और क्रेडिटर के बारे में देख लेते हैं। तो नीचे लिखा गया है ऐसे तो क्रेडिटर और डेबिटर के बारे में कोई भी चेंजेस हुआ नहीं है पूरे ईयर के अंदर, सेम टू सेम उतना ही पैसा हमको देना था, उतना ही हमको लेना था। तो ऑलरेडी इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका डिबेंचर का ओपनिंग था 10, वही हमारा क्लोजिंग था, और क्रेडिटर लेनदार का भी जो ओपनिंग था वही हमारा क्लोजिंग था। तो 20,000 का अमाउंट माइनस करके हमने देखा तो 10,000 जो बचा वो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, समझिए बताता हूँ मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कि 20,000 ही हमको देना है। प्राइस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो हमको 30 देना चाहिए, उसको 30,000 देना चाहिए, लेकिन हमको देना कितना है 20, मतलब 10,000 का क्या माना जाएगा ऑटोमेटिक बन गया प्रॉफिट, बना क्या बना प्रॉफिट नफो, क्योंकि उतना हमको कम देना पड़ेगा। प्राइस लेवल चेंज होने के बावजूद भी 30 देना चाहिए, लेकिन हम देंगे उसको फिक्स है, ये फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसके लिए 20 ही देना है। तो 10,000 का क्या हुआ हमको यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला। आई होप ये समझे होंगे, थोड़ा नहीं समझे तो ध्यान से और पढ़िएगा जो मैंने टॉपिक आपको बताया। अब असम आते हैं एसेट्स के ऊपर मिलकर, तो कौन सी एसेट्स मॉनिटरी होगी, तो देखिए यहाँ पर कौन सी एसेट्स होगी, जैसे मैंने कहा फिक्स वाली, फिक्स जो होती है जिसको पैसा लेना है हमको देना है, एक डेप्टर मतलब देवादार और एक कैश रोकड़, ये दो हो जाएगा जिसकी स्टार्टिंग 10 और 10,000 दी गई है। यहां से समझिएगा, यहां पर यहां किसी ने कुछ स्किप किया तो आपको समझ गया, या जिसको समझ में नहीं आ रहा एक से दो बार जरूर दीजिए देखिएगा, क्योंकि ये एक बार में समझ में ऐसा टॉपिक नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपको यहां संक्षिप्त में समझ में आ जाए। तो इसकी अमाउंट स्टार्टिंग में 10 और 10,000 ही दी गई थी सेम, तो 20,000 का बैलेंस था, ठीक है, इतना पैसा हमको लेना है इसका और ये मिला के। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो प्राइस लेवल की वजह से कितना हुआ चेंजेस, जो प्राइस लेवल भाव सपाटी की वजह से देख लेते हैं, तो 20,000 का स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करना 1.5 से करना है, समझ रहे हो क्यों करना है, कि फर्स्ट अप्रैल की, तो यहाँ पे भी 30,000 होता है, समझिए। अब हमको देखिए एक चीज में समझाता हूँ, डेप्टर में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं एंड के अंदर, डेप्टर में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, जो मैं डेप्टर की अमाउंट राइट डाउन किया, देवादार की कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन जो कैश था रोकर था उसमें चेंजेस हुआ था। बोले कैसे पता चला, तो यहां पर मैंने इसलिए जो ये सब कैलकुलेशन किया कैश वाला रोकर का, इसमें चेंजेस हुआ था, समझ रहे हो कैसे, मैंने फाइंड आउट किया ना कैश का क्लोजिंग कितना आ रहा है एंडिंग, देख लीजिए 54,000 आया, इसका मतलब स्टार्टिंग में 10,000 था, तो बीच में सारा का सारा प्लस माइनस हुआ, तो वो क्या हुआ था यहाँ पर इंक्रीज हुआ, कैश हमारे पास जो स्टार्टिंग में 10,000 था रोकर वो एंड में 54,000 हुआ है, इसका मतलब बीच में इंक्रीज हुआ है, तो उस इंक्रीज के ऊपर भी तो भाव सपाटी लगेगा, जो इंक्रीज हुआ है जो वधारा हुआ है उसके ऊपर भी तो ये प्राइस लेवल लगेगा ही नहीं लगेगा, तो कितने का इंक्रीज हुआ है 10,000 ऑलरेडी स्टार्टिंग में इन्वॉल्व कर लिया मैंने, तो मिडिल का देखिए 54 में से 10,000 माइनस कीजिए 54,000 के ऊपर लगेगा, और इस पर कौन सा भाव सपाटी लगेगा प्लीज, स्टार्टिंग का नहीं लगेगा बिटवीन का लगेगा, एवरेज सरेराश लगेगा, क्योंकि ये सब बीच में हुआ है दौरान हुआ है, तो उसके लिए 1.2 के हिसाब से प्राइस लेवल के चेंजेस के हिसाब से इसका चेक करना है कि अमाउंट कितना होता है, ध्यान से समझिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,800 मिलेगा, तो अब देखिए टोटल प्राइस लेवल के चेंजेस के हिसाब से कितना बनता है ये मॉनेटरी वाला नाणकीय वाला 82,800 बनता है। अब माइनस कर करना एंड में, तो डेप्टर डे वाला में चेंजेस हुआ नहीं, चेंजेस वाला भी सम्स आएगा जो मैं चलाना चाहूंगा एक और सम्स, कैश का एंडिंग में कितना था 54,000, तो कैश का 54,000 और डेप्टर का 10,000 तो हो गया 64,000 हो गया एंडिंग में, तो यहां पर 82,800 में से 64 हम लोग माइनस करेंगे तो मिलेगा 18,800। अब ये हमारा जो हुआ है डिफरेंस आ रहा है ये हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, देखो सिंपल सा जैसे इसमें मैंने आपको समझाया कि देना चाहिए हमको 30 लेकिन हमको देना कितना है 20 ही देना है, तो 10,000 का क्या फायदा, लेकिन जो एसेट्स था मिलकर जिससे पैसा लेना है, लेना चाहिए इतना 82,800 लेना चाहिए लेकिन हमको मिल कितना रहा ओनली 64,000 ही मिल रहा, मतलब ये हमारा क्या हुआ लॉस हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, बेसिक से समझ में आना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। इतना आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इतना आपको अगर समझ में आ चुका है तो अब आपका काम हो चुका है, 99% सम्स कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख लीजिए जो मॉनेटरी है, मॉनेटरी प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, नाणकीय नफो अथवा तो नुकसान हमको क्या झेलने को मिला है देख लीजिए फाइनल। तो ये हमारा हुआ प्रॉफिट, समझ रहे हो प्रॉफिट 20,000 और लॉस हुआ है 18,800, सॉरी
मैंने डिफरेंस अलग लिया, 10,000 का हुआ, क्या हुआ है 10,000 का हमको प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से लॉस है 18,800 का, तो आखिर में हमको लॉस उठाना पड़ा। तो 8,800 का हमको क्या हुआ, लॉस हुआ, जो मैंने माइनस में इंडिकेट किया है। ये प्रोसेस सबसे मेन इन सम्स का बेस है, यही हमारा सबसे मेन है, ये समझ में आ चुका है। यही अमाउंट हमको क्या करनी है यहाँ इनकम स्टेटमेंट के अंदर, आवक के पत्रक के अंदर क्या करनी है, यहाँ करेंट परचेसिंग के अंदर यहाँ पर क्या करनी रहती है, माइनस करनी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे चेंजेस होने की वजह से, प्राइस लेवल में चेंजेस होने की वजह से, भाव सपाटी में चेंजेस होने की वजह से इतना नुकसान देखने को मिला। तो 42,000 में से 8,800 माइनस करेंगे तो एक्चुअल में 33,200 का हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा चौकन्नफो। ये हुआ हमारा 99% सम्स हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर एक मिनट नहीं लगा कि हमारा सम्स हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ तक अपनी वीडियो देखा और समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतनी मेहनत लगती है आपको समझाने के लिए, इस वीडियो के पीछे बनाने में या तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के। अब चलते हैं फाइनल अकाउंट बनाने की और एक लास्ट बैलेंस शीट पाकुस के बनाना सीख लेते हैं। हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, पूरा जितना कैलकुलेशन करना था हमने कर लिया और इनकम स्टेटमेंट आवक पत्रक भी हमने क्लोज कर दिया। फाइनल हमको जो क्लोज करना है वो बैलेंस शीट पाकुस देख लेते हैं। सबसे ईजी यही होता है, ध्यान से समझिएगा अभी। तो देखिए अब करना क्या, जो ऑलरेडी हमको यहाँ पर दिया गया है पाकुस रिव्यू बैलेंस शीट हमको दिया गया है, कोई चेंजेस ज्यादा नहीं करना है, उसी में से सब हमको वैल्यू लिखना है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ ध्यान से समझते जाइएगा ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको दिया गया शेयर कैपिटल, यहाँ पर शेयर कैपिटल शेयर मूल्य दिया गया, कितना दिया गया 50,000 दिया गया। तो यहाँ एज इट इज ऐतिहासिक हिस्टोरिकल के अंदर आप 50,000 ही लिखेंगे, कोई चेंजेस करना नहीं। पहले मैं इसी की अमाउंट फिलअप करवा देता हूँ, फिर आपको करेंट में बता देता हूँ। उसके बाद डिबेंचर है, डिबेंचर को दिख रहा है 10,000 एस ई टी हम राइट डाउन कर देंगे। फिर हमारा क्या टॉपिक है, क्रेडिटर लेनदार जो 10,000 है वो भी एस ई टी में राइट डाउन कर दिया। अब आते हैं एसेट्स की और, ठीक है मिल्कत की बाजू। तो देखिए पहला दिया गया मशीनरी दिया गया, पर मशीनरी में 54,000 में से आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसी साल का जो हमारा डेप्रिसिएशन है यहाँ पर 4400 ये हमको लेस कर देना है। 44 में से यहाँ 4400 क्या करना है हमको लेस करना रहेगा, ये नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू लिखना होता है, इतना आप बेसिक जानते हो, इसके लिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद है स्टॉक, ये ओपनिंग की बैलेंस लिखा है स्टॉक, तो 6,000 आप मत लिखिएगा, क्लोजिंग वाला स्टॉक लिखा, क्लोजिंग वाला कितना है 5,000 है, तो यहाँ 5,000 लिख रहा हूँ। ये सब अमाउंट में हिस्टोरिकल ऐतिहासिक की फिलअप करवा रहा हूँ, इतना आप समझ रहे होंगे। उसके बाद है डेप्टर देवादा 10,070 लिख दीजिए, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये क्या होता है, इसमें अगर एंडिंग में कुछ बोला कि इसमें वधारो घटाड़ो कुछ हुआ तो वो लिखना रहता है, पर कुछ हुआ नहीं है। ये मॉनिटरी नाणकीय वाला जो फिक्स है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, कैश के अंदर 10,000 पर 10,000 नहीं लिख रहा, क्योंकि कैश में आपने अभी देखा मैंने क्लोजिंग निकाला है, कुछ प्लस माइनस करके हुआ था, पेमेंट वेमेंट लॉस के सब हुआ था, तो आपको ये वाला क्लोजिंग नहीं, अब जाके ये वाला यूज करना है डिबेंचर के बाद वाला। मैंने कहा था कहीं ना कहीं यूज होगा डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो 52,800 है, ये हमारा कैश होगा हिस्टोरिकल के अंदर भी, ये हमको यहाँ राइट डाउन करना है हिस्टोरिकल के अंदर। इतना आप समझ रहे होंगे तो हमारा काम हो चुका है पूरा, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ऐड कर लीजिए, आप हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड करते हैं ना यहाँ पर रिजर्व के अंदर, तो वो एक ऐड कर लीजिए, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट अभी हमने बनाया है आवक पत्रक, तो इसके अंदर हमको जो प्रॉफिट हुआ लास्ट में हिस्टोरिकल के अंदर ऐतिहासिक में देख लीजिए, ये रहा नेट प्रॉफिट, वो हमको यहाँ बना देना रिजर्व की तरह बन जाएगा 37,400, ये हमारा रिजर्व बन जाएगा, यहाँ पर अनामत बन जाएगा प्रॉफिट नफा नुकसान। तो करंट वर्तमान में कैसे वैल्यू फिलअप करना उसको समझ लेते हैं, ऑलरेडी मैं राइट डाउन किया हुआ बट मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। जो शेयर कैपिटल था ये सब ओपनिंग का दिया गया था, इसके लिए हमको ओपनिंग प्राइस लेवल पे चेंज करना है, 1.5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 75% मिल जाएगा। जो प्रॉफिट है नफा नुकसान, जैसे हमने हिस्टोरिकल का राइट डाउन किया ना वैसा के वैसा हमको यहाँ सीपीपी का वर्तमान वाला भी हमको जो प्रॉफिट मिला है नेट प्रॉफिट 33,200 राइट डाउन कर देना है। अभी जो दो नाम दिख रहे हैं आप ध्यान से समझिएगा, ये दोनों मॉनिटरी नाणा की है, ये जो फिक्स होता है इसमें प्राइस लेवल्स के अकॉर्डिंग अमाउंट लिखना नहीं रहता है, तो 10,000 का 10,000 ही राइट डाउन कीजिए, और क्रेडिटर लेनदार में कोई चेंजेस हुआ नहीं था, वधारो घटारो कुछ हुआ नहीं, तो सेम इट इज 10,000 राइट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ मिल्कत के अंदर, ध्यान से समझिए। मशीनरी ये भी ओपनिंग का दिया गया था, इसके लिए प्राइस लेवल के हिसाब से चेंज करना 1.5, तो अमाउंट हो जाएगा 59,400। अब यहाँ पर स्टॉक में चेंज कीजिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ठीक है 1.2 के हिसाब से किया था, 5% का कितना हो गया था 6,000 हो गया, तो एज इट इज हमने राइट डाउन कर दिया। दोनों यहाँ पर जो डिबेंचर जो डेप्टर और कैश दिया गया देवादा और रोकड़, ये दोनों मॉनिटरी दिया गया नाणा की, तो इसमें प्राइस लेवल चेंज नहीं करना है,
हाँ बट इंक्रीज हुआ तो प्लस करना है, डिक्रीज हुआ तो माइनस करना है। देवादार डेप्टर में कुछ चेंजेस हुआ रहता तो 10% लिखना। हाँ लेकिन कैश में जो है ना आपको जैसे हमने बताया है यहाँ पर ये जो एंडिंग वाला था कैलकुलेशन वही राइट डाउन करना है, 52,800 का हमको राइट डाउन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर भी वही का वही अमाउंट 70 राइट डाउन कर दिया जाएगा। तो टोटल मारेंगे आपको इक्वल मिल जाएगा और यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट पूरा हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में समझाया मैंने क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया था, इसलिए फिर भी आई होप समझ में आ चुका हो। तो यहाँ पर ये सम्स हो गया कंप्लीट समझ लीजिएगा, 1-2 बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। कैलकुलेशन सबसे मेन था, उसके बाद ये इनकम स्टेटमेंट, आवक पत्रक और बैलेंस शीट। क्वेरी रहती है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के पीछे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस बात को, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।